अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों को अपने चैनल फ़ैज़ वसीम पर। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स के टॉपिक रीजंस व्हिच इफेक्ट्स द डिमांड को डिस्कस करेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट द रीकैप, तो लास्ट वीडियो में हमने डिमांड को डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स में डिमांड का कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या। देन हमने डिमांड कर्व को के हवाले से बात की थी और हमने उस वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड को भी डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप माय वीडियो सेक्शन में जाकर वॉच कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जो कि डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ रीजंस आपके सामने मैं शो करवाऊँगी और हम उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। देखो, आपके पास कोई भी किसी भी चीज़ की अगर हम मार्केट में डिमांड देखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उस प्रोजेक्ट की डिमांड या तो इंक्रीज़ होती है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए या फिर वो डिक्रीज़ होती है। अब उनके रीजंस क्या होते हैं? देखो, एक रीज़न हो सकता है सीज़न चेंज। सीज़न की बेस के ऊपर भी किसी भी प्रोजेक्ट की डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे कि समर का सीज़न चल रहा है, तो समर के सीज़न में हमें पता है कि फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो मैंगो की होती है। अगर हम सीज़न चेंज कर दें, अगर हम विंटर्स की तरफ चले जाएँ, तो मैंगो तो होता ही नहीं है, तो उसकी डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो सीज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है कि कौन सा सीज़न चल रहा है। सीज़न की बेसिस के ऊपर भी डिमांड्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। सेकंड रीज़न है एक्सपायर डेट ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोजेक्ट का एक बल्क तैयार किया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी प्रोजेक्ट को आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स की रेंज में बनाया गया है, अब उसकी जो एक्सपायर डेट है वो करीब आ रही है, तो उस प्रोजेक्ट की डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से एक है नीड, मतलब कि ज़रूरत कितनी है। जब किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होती है तब उसको ज़्यादा बाय किया जाता है, तब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत कम हो जाती है मार्केट में, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। जैसे कि अगर मैं अभी रीसेंट डेज की बात करूँ, तो रीसेंट डेज में जो हमारे पास सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो वहाँ पर अभी जो सबसे ज़्यादा नीड है वो है वैक्सीन की, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटी। क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर भी डिमांड्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती हैं। कैसे? किसी चीज़ की सीज़न है, उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा जो है वो लोग बाय कर लेंगे। अब क्वांटिटी भी कम है, डिमांड तो हाई है, लेकिन क्वांटिटी कम है, तो वो लाजमी सी बात है कि एक वक्त आता है कि जब उसकी क्वांटिटी ख़त्म होने लगती है, तो फिर डिमांड अगर हो भी तो वो लोग बाय नहीं कर सकते। ड्यू टू कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन की वजह से भी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्केट में अगर दो लोग हैं वो किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं और उसको बाय करने वाले बहुत सारे हैं, तो मतलब कि अगर मार्केट्स में शॉप्स कम हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं उसको, शॉप्स कम हैं तो किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर शॉप्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी शॉप्स वहाँ पर वही प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, तो डिमांड इतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर बंदे को चीज़ आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है इनकम। आपकी इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपकी इनकम हाई है तो आप किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। इनकम को लेकर भी आप अपनी डिमांड्स को कम करते हैं, अपनी नीड्स को सिर्फ और सिर्फ नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, वांट्स को कोशिश करते हैं कम से कम रखें। नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, वही बात, जब कंज्यूमर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसी तरह से टेस्ट और प्रेफरेंस, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आपका टेस्ट कैसा है, आपकी प्रेफरेंस क्या है? जब लोगों की प्रेफरेंस किसी चीज़ के ऊपर होती है तब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगर कोई चीज़ आपको टेस्ट में अच्छी नहीं लग रही है, आपकी उसकी प्रेफरेंस नहीं है आपको, तो फिर जो है वो उसकी डिमांड भी इतनी नहीं होती उस प्रोडक्ट की। तो इस वीडियो में हमने क्या बात की है, हमने बात की रीजंस जो कि डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी आप कर सकते हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।